31 জাতীয় সড়কের পার্শ্ববর্তী মিনা মোড় থেকে শাওগাঁও বস্তি পর্যন্ত পাকা রাস্তা নির্মাণ। পরিস্রুত পানীয় জল ও লিস ও ঘিস নদীতে পাকা নির্মাণের দাবিতে স্মারকলিপি প্রদান। বুধবার মালবাজার মহকুমার শাসকের কাছে মালবাজার ব্লকের বাগড়াকোট গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত 31C জাতীয় সড়কের পার্শ্ববর্তী মিনা মোড় থেকে শাওগাঁও বস্তি পর্যন্ত রাস্তার রিপেয়ারিং এলাকায় পরিস্রুত পানীয় জল প্রদান এবং লিস ও ঘিস নদীর ধারে পাকা বাঁধ নির্মাণ করার দাবি জানিয়ে স্মারকলিপি জমা দিল এলাকাবাসীর একাংশ। এলাকাবাসীর তরফে ইতিমধ্যে বিষয়টি সম্পর্কে জলপাইগুড়ি জেলার জেলাশাসক সহ জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের সভাধিপতির কাছেও এলাকার মূল দাবিগুলো তুলে ধরে চিঠি প্রদান করা হয়েছে। স্থানীয়দের তরফে সুশীল মাঝি, বাবুলাল ওরাও, স্টিফেন তির্কি, উপেন্দ্র ভগত, সেবন ওরাও, বিজয় লোহার প্রমুখ এদিন স্মারকলিপিটি মালবাজার মহকুমার শাসকের করণে এসে জমা করেন। এরপরই মালবাজার বিডিও কার্যালয়ে গিয়ে একই দাবিতে স্মারকলিপি জমা দেন। মহকুমার শাসকের অনুপস্থিতিতে স্মারকলিপি জমা নেন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর কিংসুক চন্দ। স্মারকলিপি জমা প্রসঙ্গে সুশীল মাঝি বলেন, দীর্ঘদিন ধরে রাস্তাটি চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়েছে। এলাকায় পরিস্রুত পানীয় জলসহ লিস এবং ঘিস নদীর পাকা বাঁধ নির্মাণের দাবি নিয়েই এদিনের স্মারকলিপি প্রদান করা হয়েছে। মহকুমা প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, বিষয়টি উদ্বর্তন মহলের গোচরে আনা হবে। মালবাজার থেকে সোমনাথ দত্তের রিপোর্ট, আমাদের টিভি। मीना मोड़ से सांवर तक का ये एक रास्ता है, बहुत जर्जर अवस्था में है। ये बहुत समय से, बहुत सालों से इस प्रकार का ये कंडीशन है। उस रास्ता खराबी होने की वजह से दो बच्चे अपना जान गंवा चुके हैं और दिन ब दिन उसमें जितने भी टुक टुक हुए पलटते हुए बहुत सारे इंजर्ड होते रहे हैं। तो उसके लिए कि वो जल्द से जल्द NH-31C मीना मोड़ से सांवर की जो रास्ता है उसको एक बनाने के लिए, और दूसरी है कि हमारे वहाँ पे जो घीस रिवर है और रिवर आपका लिस है, जिसके हर बारिश के सीजन में वहाँ से बहुत सारे जमीन कटाव के कारण से बहुत से गांव के घर वगैरह भी वहाँ पे चले गए हैं। अगर इस बार भी जिस प्रकार का हैवी रेन होती है तो बाढ़ से बहुत सारे घरों का क्षतिग्रस्त होने का गांववासी भयभीत हैं। और दूसरी बात इसी कारण से कि वहाँ पे एक डैम बनाया जाए घीस रिवर में और लिस रिवर में भी एक बांध का निर्माण करने के लिए। और तीसरी समस्या है वो जो वहाँ पे हमारे यहाँ पे PHE वाटर टैंक बनाया गया है, PHE वहाँ पे है, लेकिन अभी तक बहुत सारी जगहों पे कनेक्शन नहीं मिली हुई है। और जहाँ पे कनेक्शन है लेकिन वहाँ भी पानी जिस प्रकार से मिलना चाहिए वो पानी वहाँ पे नहीं पहुँच रहा है, जिस कारण से आज हम इस डेपुटेशन को देने के लिए यहाँ पे आए हैं। आप लोग कौन सा संगठन या कैसे मतलब ये डेपुटेशन दे रहे हैं? हम रूलिंग पार्टी के तरफ से, हम हमारे रूलिंग गवर्नमेंट के उसमें है हम लोग, और हमारी तरफ से विभिन्न प्रकार से प्रयास किया गया है। और इस रूट जो कहा गया है वो आर्मी का रूट कहा जाता है कभी ये, तो इसी कारण से हम लोग लास्ट टाइम में एडम कमांडेंट को भी हम लोगों ने एक दिए हुए दरखास्त दिए हुए थे, लेकिन उन्होंने कहा कि यह तो हमारा आर्मी के अंडर में नहीं है। तो इसी कारण से ये रास्ता जो है, चाहे वो आर्मी के अंडर से हो या तो प्रशासन लेवल में हो, जल्द से जल्द निर्माण करने के लिए पूरे ग्रामवासी का ये। आपका नाम? मैं सुशील माझी, समाज से। और साथ में कौन कौन है? हमारे साथ में हमारे पूरन लोहार जी हैं, स्टीफन तिर्की जी हैं, हमारे ओम नारायण जी हैं, हमारे सुनील और हमारे बाबूलाल, प्रकाश राव और जितने भी हमारे वहाँ के जो लीडरशिप हैं सभी लोग हम लोग यहाँ पे उपस्थित हैं।